ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनको हटाया जा रहा है, जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं पुलिस जो है उठा के लेके जा रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हटाया गया है हिरासत। क्या क्या कुछ मांग लगातार आप मांग, हम लोग का यही है कि नियुक्ति पत्र हम लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। 2011 वाले आप हैं, आप कोई सुन रहा है आपकी बात? कोई नहीं सुन रहा है। देखिए जो अभ्यर्थी हैं 2011 के एसटीटी के वो प्रदर्शन कर रहे थे सचिवालय के बाहर, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने ले जाया जा रहा है। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था, पहले एक बार प्रदर्शन देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उसको पकड़ के ले जा रही है महिला अभ्यर्थी को। क्या बात करने की कोशिश करेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, पकड़ के ले जाया जा रहा है आपको? हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, हम नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। हमारे लोग साथी आप हत्या कर रहे हैं, तो अपना नस काट रहे हैं, वो फांसी पे चढ़ रहे हैं, सबको मरने दो, चल जाती हूँ जेल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सबको मरने नहीं दे सकती, अकेली मरूंगी ना, कोई दिक्कत। प्रशासन के अलावा कोई पूछने आया है आप लोगों से अभी? कुछ नहीं। आपको हिरासत में लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। अब क्या भगत सिंह को भी लिया गया था, अब ये फांसी पे चढ़ेगा तो चढ़ जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से जो महिला अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रही थी। 2011 बैच की हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं वो पहुंच गए, जिला मजिस्ट्रेट जो हैं, और वो कह रहे हैं कि लेके जाइए थाने, और जो अभ्यर्थी हैं उनको पकड़ लिया गया है। ये देखिए किस तरीके से थाने लेके जाया जा रहा है, जो अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए इलाके के साफ साफ कह रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब कि अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग उग्र आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सचिवालय ये प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं यह गलत है। अगर बात कर ले तो अभ्यर्थी साफ साफ कह रहे हैं कि हम को नौकरी चाहिए, हम लगातार हम लोग सड़क पे हैं, 11 साल से भी ऊपर हो गए, उम्र पार हो रही है, लेकिन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ महिला अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कुछ पुरुष अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना ये होगा कि कब तक ये छूटते हैं। क्या कुछ कहना था महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी का आपने सुना है, अब देखना ये होगा कब तक बहाली होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।